हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्कूल्स यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में, क्लास सिक्स, हम लोग वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। और वाटर के बारे में पढ़ाते पढ़ाते मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर वाटर जो अर्थ पर वाटर है वो 97% अमाउंट में मौजूद है, और इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट, वाटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आप लोगों को वाटर का कुछ यूज़ बताया था कि इसका किन किन पर्पसेस के लिए हमारे द्वारा वाटर का यूज़ किया जाता है। फिर अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास, हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हाउ मच वाटर डू वी यूज़। ये भी मैंने शायद आप लोगों को पढ़ा दिया था कि एक दिन में हम लोग लगभग कितना पानी यूज़ करते हैं। और आप लोगों को मैंने एक्टिविटी भी दिया था करने के लिए कि आप लोग काउंट करना, कि देखना आप लोग कितना वाटर एक दिन में यूज़ करते हो। फिर अकरेंस ऑफ वाटर आज हम लोग देख लेते हैं क्लास, कि अकरेंस ऑफ हमारे हमारे यहाँ, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि अकरेंस ऑफ वाटर, जैसे हमारे यहाँ अर्थ पर, जैसे आपका वाटर किन किन स्टेट्स में मौजूद है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि आइस के फॉर्म में मौजूद है। लिक्विड स्टेट में आपका लिक्विड ओशियन और सी में बिगेस्ट सोर्स है आपका लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर का। फिर आपका गैसियस फॉर्म में आपका मिस्ट है, फॉग है, क्लाउड्स है, ये सब आपका गैसियस फॉर्म में वाटर का स्टेट है। तो इतना कुछ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्लास सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में, कि वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं और इनको सोर्सेज के बेसिस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए स्टार्ट किया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ इट सोर्स, वाटर कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू क्लासेस। सोर्स के बेसिस पर वाटर को दो पार्ट में बांटा गया है, और वो क्या क्या है? सरफेस वाटर, और दूसरा है आपका अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर क्या है? तो द वाटर डैट वी गेट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस वाटर। ऐसा वाटर जो हम लोगों को सरफेस से ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम लोग सरफेस से ऑब्टेन करते हैं, उस वाटर को हम लोग कहते हैं सरफेस वाटर। इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ डिजॉल्व्ड वाटर, डिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन इट। क्या कह रहा है कि ये जो है वाटर, ये हमारे पीने के लिए फिट नहीं होता है, सही नहीं होता है, गंदा। क्यों उसमें सही नहीं होता है? क्योंकि इसमें सॉल्ट डिजॉल्व रहता है, इम्प्योरिटीज होती हैं, और जो जितने भी सीवेज हैं, जितने भी नालियाँ वगैरह हैं सिटीज़ की, हार्मफुल सब्सटेंस फैक्ट्री का, सारा इसी सरफेस वाटर में जाके रिवर के द्वारा गिराया जाता, नाले के थ्रू होता हुआ रिवर्स में आपका गिराया जाता है। और रिवर्स ही वगैरह ही तो है जो आपका सरफेस वाटर के सोर्सेज हैं। मोस्टली रिवर वाटर इज सप्लाइड टू अस फॉर ड्रिंकिंग, इट हैज़ टू बी क्लीन बिफोर इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। कह रहा है कि रिवर वाटर को ड्रिंक करने से पहले, पीने से पहले, इनको साफ़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे तो ये हमारे पीने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। अगर हम इसको पी भी लेते हैं तो ये हम लोगों को बहुत सारे तरह का डिजीज कॉज कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। आगे देखिए क्या बात कर रहा है क्लास। मोस्टली रिवर वाटर इज सप्लाइड टू अस फॉर ड्रिंकिंग, इट हैज़ टू बी क्लीन बिफोर इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। कह रहा है क्लास कि रिवर वाटर, कहीं बड़े बड़े से मेट्रो सिटीज़ में क्लास आप जाओगे तो वहाँ सप्लाई वाला वाटर आता है, और वो वाटर कहाँ से आता है? तो रिवर वगैरह में से ही आता है। कैसे उसको लोग सप्लाई करते हैं? तो उसको पहले उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं, रिमूव करते हैं, और देन सप्लाई किया जाता है पीने के लिए भी और काम वगैरह भी करने के लिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है। द फॉर्म्स ऑफ सरफेस वाटर आर गिवेन बिलो। कुछ वाटर, सरफेस वाटर के फॉर्म्स हमारे बुक में नीचे दिया गया है। क्या क्या है? जैसे रेन वाटर, स्प्रिंग एंड वेल वाटर, रिवर एंड लेक वाटर, और लास्ट है आपका सी वाटर। ये सारे आपके सरफेस वाटर के ही एक सोर्स है। देखा जाए रेन वाटर के बारे में क्या कह रहा है। रेन वाटर इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन विच फॉल्स ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स। रेन वाटर क्या है? आपका एक प्रिसिपिटेशन का फॉर्म है, ठीक है। और ये वाटर आपका, जैसे क्लाउड आप लोग देखे होंगे कि क्लाउड जो है वो जब डेंस हो जाता है तो वाटर के फॉर्म में वो नीचे गिर जाता है, गिरने लगता है, और इसी को हम लोग रेन कहते हैं। इट इज़ सॉर्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाई नेचुरल डिस्टिलेशन। क्या कह रहा है क्लास कि ये डिस्टिल्ड वाटर भी होता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेसेस के, नेचुरल डिस्टिलेशन के द्वारा ये फॉर्म हुआ रहता है, और इस वजह से जो ये वाटर आता है ये प्योर फॉर्म माना जाता है क्लास। वैसे रेन वाटर जो है वो वाटर का प्योर फॉर्म माना जाता है।
हालांकि हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद कुछ हार्मफुल गैसेस उसमें घुल जाते हैं जिससे वो वाटर इम्प्योर हो जाता है, बट अगर हमारा एटमॉस्फेयर अगर क्लीन रहे, कुछ हार्मफुल गैसेस ना हो, तो रेन वाटर जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल डिस्टिलेशन के द्वारा फॉर्म हुआ है। कैसे रब क्लास रेन वाटर फॉर्म होता है ये हम लोग जब वाटर साइकिल पढ़ेंगे ना, तो और वहाँ आपका हाउ क्लाउड इज फॉर्म भी दिया रहेगा, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे रेन वाटर का क्लाउड बनता है और कैसे रेन हमारे यहाँ होता है। बट इट कंटेन इन सम वही, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लेकिन इस वाटर में कुछ गंदगी भी होती है, जैसे डस्ट पार्टिकल होता है, कुछ हार्मफुल गैसेस उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब ऐसे गैस है जो इसमें डिसॉल्व होके वाटर को क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। नेक्स्ट अब आपका कह रहा है क्लास इज स्प्रिंग एंड वेल वाटर। स्प्रिंग और वेल वाटर देखिए क्या है, वेल वाटर एंड स्प्रिंग वाटर आर नेचुरली फिल्टर्ड वाटर एज इट पासेस थ्रू द ग्रेवल एंड सैंड। कह रहा है कि ये जो कुएं का पानी होता है या झरने का पानी आपका होता है, ये आपका नेचुरली फिल्टर कर दिया जाता है। कैसे फिल्टर कर दिया जाता है, तो आप लोग देखना झरने वगैरह के पानी के पास ना बहुत सारे ग्रेवल्स होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, तो उन पत्थरों के द्वारा उस वाटर को प्योरीफाई करने का काम किया जाता है। और वेल भी है, वेल आपका जैसे कुआं है, कुआं में आपका क्या होता है, जैसे पानी आपका रहता है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ भी हो तो वो पानी आपका वो हिलता उलता तो है नहीं, स्थिर रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ उसमें होती होगी वो उसके स्थिर होने के वजह से क्या होता है, नीचे सेटल हो जाता होगा, सेटल डाउन हो जाता होगा, और इस तरह से वो प्योर हो जाता होगा। या फिर उस कुएँ के अंदर भी अगर आपका पत्थर वगैरह है तो वो क्या कर देता होगा, वो कुएँ के पानी को, वेल के वाटर को साफ कर देता होगा। स्प्रिंग वाटर कंटेन डिजोल्व सॉल्ट विच इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ है। क्या कह रहा है क्लास कि स्प्रिंग वाटर में कुछ सॉल्ट का डिजोल्वेबल अमाउंट भी होता है, और वो सॉल्ट का अमाउंट हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी उसको हम लोग पी सकते हैं। अगर कभी मौका मिले उस पानी को पीने का तो ज़रूर पीना, ऐसा नहीं होगा कि उस पानी को तुमको पीने से तुमको कुछ नुकसान होगा, बहुत सही रहेगा हमारे बॉडी के लिए वो। अब देखिए क्लास नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिवर एंड लेक वाटर। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर एंड द वाटर ऑफ मेल्टिंग आइस फ्रॉम द माउंटेन रन ऑफ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। आप लोग सुने होगा क्लास, जैसे गंगा नदी है, गंगोत्री वगैरह से निकलती है जो उत्तराखंड में है। कह रहा है कि जो बर्फ़ वगैरह है जब वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद वो माउंटेन वगैरह से नीचे की तरफ गिरता है, और वही गिरने के साथ वो लोग वो आपका वाटर रिवर बना देता है। सिंस दिस वाटर फ्लोज डाउन द हिल्स एंड प्लेस बिफोर इंटरिंग द सीज। और ये जो नदी का जो पानी होता है, ये समुद्र में मिलने से पहले ये आपका हिल्स वगैरह पर गिरता है, प्लेन वगैरह पे बहती हुई, तब जाके ये समुद्र में गिरती है। इट डिजॉल्व सम सॉल्यूबल सॉल्ट ऑन इट्स वे एंड बिकम इम्प्योर। जब वो आपका प्लेन्स पर बहती है, हिल्स वगैरह पे बहती है, तो अपने साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी ये लेके बहती है, और उस इम्प्योरिटीज़ उसमें जाने के वजह से क्या हो, जैसे आपका प्लेन पर भी जो मैदानी इलाके वगैरह हैं आपके, उसमें उसमें उसके मिट्टी पे कुछ गंदगियाँ हैं, तो उसमें आपका वो गंदगी क्या होता है कि वाटर में आपका डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने की वजह से वो वाटर जो है क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो ये आपका था रिवर और लेक, नदी और लेक आपका होता है तालाब, ठीक है, तालाब वगैरह का पानी। अब देखिए सी वाटर, सी इज़ द बिगेस्ट स्टोर ऑफ नेचुरल वाटर। सी जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है नेचुरल वाटर का। सी यानी क्या, समुद्र, ठीक है। इट कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। इसमें सबसे ज़्यादा वाटर का एक बड़ा सोर्स होने के साथ साथ इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ इट डायरेक्टली फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस एट होम, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इसमें इतनी गंदगी होती है कि इसको आप चाहोगे कि हम अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और भी छोटे मोटे काम के लिए अगर हम चाहें कि उसको यूज़ कर लें, तो भी उसका यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और उसके इतने ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से हम लोग उसका यूज़ इन सब एक्टिविटीज़ में नहीं कर सकते हैं।
However, oceans are actually the ultimate source of all water on the earth. On the earth, क्या कह रहा है कि oceans जो है, ठीक है, सी से भी बड़ा आपका oceans होता है, ठीक है. ओशियन जो है वो सबसे बड़ा अल्टीमेट सोर्स है जितना भी वाटर बॉडी है अर्थ पर का, क्योंकि सारा का सारा पानी आखिर में जाके मिलता कहाँ है, ओशियन में ही, ठीक है. डायरेक्टली इनडायरेक्टली लास्ट में वो कहाँ जाके गिरेगा, ओशियन में गिरेगा. डू यू फाइंड दिस इज सरप्राइजिंग, द वाटर विच वी यूज आर नॉट सलाइन एनी मोर. क्या कह रहा है कि जो हम लोग पानी यूज करते हैं उस पानी में बिल्कुल भी सैलिनिटी नहीं होती है, मतलब उसमें बिल्कुल भी ये सॉल्ट का अमाउंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा सलाइन नहीं होता है. हाउ डज द सलाइन वाटर ऑफ ओशियन कन्वर्ट इन टू लेक्स और ए रिवर्स वाटर. तो ये कह रहा है, तो कैसे समुद्र के पानी में आप लोग सुने होंगे ओशियन के वाटर में सॉल्ट होता है, तो कैसे उस सलाइन वाटर को हम लोग रिवर के वाटर में जब कन्वर्ट करते हैं या लेक के वाटर में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सलाइन कहाँ चला जाता है. तो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन आफ्टर स्टडिंग वाटर साइकिल. कह रहा है कि इस प्रॉब्लम से हम लोगों को इसका सॉल्यूशन वाटर साइकिल में है. जो हम लोग वाटर साइकिल पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या आखिर ऐसा होता है कि वो वाटर सलाइन होने के बावजूद भी, कौन सा वाटर, ओशियन का वाटर सलाइन होने के बावजूद भी क्यों जो नदी का पानी है या लेक का पानी है, वाटर है आपका, उसमें क्यों सैलाइन नहीं होता, उसमें क्यों सॉल्ट नहीं होता है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास, मज़ा आएगा जब हम लोग वाटर साइकिल पढ़ेंगे. अब देखिए क्या कह रहा है. अंडरग्राउंड वाटर, ए पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट अब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड. व्हेन द वाटर रीचेज नॉन पोरस लेयर इट कैन नॉट सिंक एनीवेयर. देखिए क्लास क्या होता है, अंडरग्राउंड आप लोगों को पता होगा कि मिट्टी, जैसे मान लो ये लैंड कवर का सॉयल है, ठीक है, और इसमें जब पानी आपका पड़ता है तो ये नीचे की ओर ऑब्जर्व होता है, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, और जब ये नीचे जाता है तो ये आपका जहाँ तक ऑब्जर्व आपका पोर्स होते हैं लैंड में का, सॉयल का, उस पोर्स के थ्रू वाटर जो है वो अंडरग्राउंड की तरफ जाता है. फिर जाते जाते क्लास फिर क्या होता है, सब नीचे अंडरग्राउंड में, कि आपका एक रॉक का लेयर्स होता है और उस रॉक को हम लोग कहते हैं इम्परवियस रॉक, ठीक है, और उस रॉक में क्या क्वालिटी है, तो वो वाटर को अपने से होकर फिर नीचे, जैसे आप लोग प्लास्टिक समझते हो ना कि कैसे प्लास्टिक आपका वाटर प्रूफ होता है, मतलब आप एक बार अगर प्लास्टिक में पानी को होल्ड कर ले तो अब उसमें से पानी आपका सिपेज उसमें से नहीं होता है, निकलता नहीं है बाहर, तो वैसे ही इम्परवियस रॉक है. जैसे मान लो आप यहाँ का, यहाँ इम्परवियस रॉक्स है, ठीक है, अब यहाँ पानी आपका आके क्या हो जाएगा, लास्टली कलेक्ट होगा, अब इसके नीचे आपका वाटर जो है वो नहीं जा पाता है ड्यू टू इम्परवियस रॉक. तो वही कह रहा है कि इस कि आपका अंडरग्राउंड जो वाटर है वो एक लिमिटेड ये तक नीचे की तरफ जाता है, दूरी तक, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता है ड्यू टू इस रॉक की वजह से, इम्परवियस रॉक की वजह से. और ये इम्परवियस रॉक क्या करता है कि इसमें पोरस नहीं, इसमें पोर्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी जो वाटर को नीचे जाने दे, और इस तरह से वाटर जो है वो इसके ऊपर ही एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, और इसी वाटर को हम लोग अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. अंडरग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स ऑफ फॉर मैनी लेक्स एंड वेल. अंडरग्राउंड वाटर जो है वो आपका लेक्स और वेल का भी सोर्स है, और हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को ट्यूब वेल से, हैंड पंप से बाहर की तरफ निकालते हैं और यूज़ करते हैं. तो ये क्लास था आपका क्या, तो आपका सोर्सेज ऑफ वाटर, सरफेस वाटर का हम लोग देख लिए कि क्या क्या आपका था, सरफेस वाटर के फॉर्म्स के बारे में भी देख लिए कि क्या क्या था आपका लास्ट, और आपका अंडरग्राउंड वाटर भी हम लोग लास्टली देख लिए. तो ये आपका सोर्सेज ऑफ वाटर यहाँ ख़त्म हुआ. इसके बाद क्लास है आपका कुछ ट्रू फॉल्स है, आप लोग कर लेना एक्टिविटी, इन सब ये सब आप लोग करते हुए चलना. क्या कह रहा है, पहला, वाटर डज नॉट प्ले एनी रोल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्या वाटर किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवलिंग के लिए कोई रोल प्ले नहीं करता है, तो आप लोग बोलो क्या होगा ये, ट्रू या फॉल्स. फॉल्स होगा. अबाउट 90% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ ड्यू टू वाटर. 90% नहीं, 70% हमारा जो वेट है बॉडी का वो वाटर के वजह से होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया. स्नो और आइस इज़ द सॉलिड वेस्ट ऑफ वाटर. स्नो और आइस जो है ये आपका क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है, तो हाँ.
सी एंड ओशियन आर द बिगेस्ट स्टोर ऑफ नेचुरल वाटर, तो हाँ ये भी सही है। ग्लेशियर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ पोटेबल वाटर, नहीं ग्लेशियर इज़ द मेन, ग्लेशियर नहीं मेन सोर्स है आपका पोटेबल वाटर का, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब है आपका क्लास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर साइकिल, वाटर साइकिल के बारे में क्लास हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।